हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। तो समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन अपन किसको बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन क्या समझेंगे, इनवर्स फंक्शन अपन किसको बोलते हैं, दूसरी बात इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, और क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या उस फंक्शन पे कुछ कंडीशन होनी चाहिए, इसकी अपन आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये जानने से पहले अपन ये जानेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। अपन बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन अपन देखो, द फंक्शन विच इज वन वन एंड, है ना, वो फंक्शन जो वन वन भी है एंड ऑन टू बी, द फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू बोथ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, बाइजेक्टिव। अब वन वन को अपने को पता है कि वन वन को अपन क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, वन वन को अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन वन वन होना चाहिए मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए, और ऑन टू होना चाहिए मतलब सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऑन टू को अपन क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव वर्ड्स हैं। तो द फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। वन वन को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो वो फंक्शन जो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है डेफिनेशन। बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं अपन, इनवर्स फंक्शन देखो, अपन ने क्या बोला, कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन में एक खास बात होनी चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों अपन समझेंगे, बट यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन वो फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये आखिरी कंडीशन है। फंक्शन यदि बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन और फंक्शन यदि वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। याद कर लिया अपन ने, अभी एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको कैसे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बट इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को हमेशा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो मस्ट कंडीशन है। तो अपन मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ जिसका अपने को इनवर्स निकालना है, एक फंक्शन है एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन किया है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और ये अपन को समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वन वन भी है ऑन टू है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एफ इनवर्स अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं बी टू ए, ठीक है। तो ए टू बी में एफ डिफाइन हुआ है तो एफ इनवर्स अपन डिफाइन कर रहे हैं बी टू ए में, है ना, बी टू ए उल्टा रिवर्स, एफ इनवर्स को देखना कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं, यदि ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहां वन मिला तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, एफ इनवर्स में वन रखने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, वापिस ए, ठीक है। यदि बी के कॉरस्पॉन्डिंग थ्री मिला, या अपन बोलेंगे कि टू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन एसोसिएटेड है, सी, तो यहां पे भी टू के टू से कौन एसोसिएटेड होगा, थ्री, इनवर्स है, जस्ट इनवर्स। और थ्री से एसोसिएटेड है बी, तो यहां पर भी थ्री से एसोसिएटेड कौन होगा, बी। क्लियर है पॉइंट। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं, यदि f ऑफ a वन है तो अपन बोलेंगे कि f इनवर्स ऑफ वन क्या आएगा, a, f ऑफ a यदि वन है तो f इनवर्स वन क्या आएगा, f इनवर्स वन आएगा a। यदि f ऑफ b थ्री है, एफ ऑफ बी यदि थ्री है तो एफ इनवर्स थ्री क्या आएगा, बी, एफ इनवर्स थ्री क्या आएगा, बी, है ना, एफ ऑफ बी यदि थ्री है तो एफ इनवर्स बी
इधर एफ है तो उधर क्या बन जाएगा, ये इनवर्स, एफ इनवर्स 3 क्या आ जाएगा, बी, है ना। फंक्शन है ये एफ इनवर्स, उसका नाम है ना, ऐसा नहीं कि 1 बाई एफ किया हुआ है, एफ इनवर्स उसका नाम है, नाम है उसका, जैसे एफ नाम है वैसे ही उसका नाम क्या है, एफ इनवर्स, नाम दिया हुआ है, जैसे जी एक्स एच एक्स होता है ना, वैसे ही एफ इनवर्स क्या है, सिर्फ नेम है, इसकी पावर माइनस 1 से, ऐसा नहीं है कि ये 1 बाई एफ है, 1 बाई एफ नहीं है ये, इसका उसका सिर्फ नाम दिया हुआ है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी दे सकते थे तुम, ठीक है ना, एफ इनवर्स नाम दे दिया अपन ने, ये एफ है तो ये क्या है, एफ इनवर्स। f of a 1 है तो f inverse 1 a आ गया, f inverse 1 क्या आ गया a, f of b 3 है तो f inverse 3 b आ गया, similarly f of c यदि 2 है तो f inverse of 2 क्या आएगा, c, f inverse of 2 क्या आ जाएगा, c, clear है point। तो इस तरीके से अपन inverse देखते हैं, definition लिखते हैं, ये तो अपन ने समझा है एक example लेके कि inverse का मतलब क्या है, डेफिनेशन लेते हैं अपन इनवर्स की, इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, तो डेफिनेशन तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर ए फंक्शन, फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ, है ना, फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना, a टू b f f फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, क्या है ये, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एनी f विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट a अनदर फंक्शन, है ना, देन there must exist a then there must exist a function, और वो भी bijective ही होगा, bijective function g, g defined from b to a, है ना, यदि f a to b define किया है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड, बाइजेक्टिव फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, इसको मैं मान लेता हूं वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, है ना, या एक्स इज इक्वल टू, यहां पे वाई और एक्स अपन ने लिया तो एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन क्या होगा, मान लो वाई का फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, f a to b is a bijective function, then there must exist a bijective function g b to a, x is equal to g of y, such that if pq कोई ordered pair है lies on f, then है ना, then qp lies on g, where p belongs to a and, you know, for all p belongs to a and q belongs to b, तो अपन बोलते हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, मान लो p to q associated है f, तो g क्या होगा, q से p, है ना, a b है तो b है उस पे होगा, क्लियर है पॉइंट, यही अपन ने डायग्राम में समझाया था, तो ये इनवर्स फंक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, तो अपन ने क्या देखा था, मान लो ए बी सी 1 2 3, ये एक फंक्शन एफ है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो एक ऐसा फंक्शन होगा जो डिफाइन है किससे किसके बीच में, बी टू ए, है ना, उसको अपन ने जाम दे दिया अभी जी, ठीक है, तो f और g को अपन क्या बोल देंगे, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं,
एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है। अब अपन बात ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि वाई ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, यदि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में अपन सोचते हैं ना। एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं लेते हैं और उसका इनवर्स निकालने की ऐसे ही कोशिश करते हैं, है ना, क्या निकाल पाएंगे कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही अपन इनवर्स क्यों डिफाइन करते हैं, इसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन ही लेना पड़ रहा है अपन को। अपन मान लेते हैं अपन तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं लेते, ठीक है, अपन ले लेते हैं, चलो गड़बड़ कर देते हैं, पहले मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ये फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है ना, ये अब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहा, है ना, वन वन होना चाहिए ये फंक्शन, ना ही वन वन है ना ऑन टू है। अच्छा पहले एक ही गड़बड़ करते हैं, मिनिमम ही लेते हैं पहले, ऑन टू तो है फंक्शन बट ये वन वन नहीं है, मतलब ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। मान लो अपन ने एफ डिफाइन कर दिया है ए टू बी, अब अपन एफ इनवर्स डिफाइन करने जाते हैं, ठीक है, तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, बी टू ए डिफाइन करना पड़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, वन थ्री ए बी सी, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ नजर आ रही है, ये तो बी और सी के कॉरस्पॉन्डिंग थ्री है, ये तो फंक्शन है, सही बात है, क्या ये फंक्शन होगा, क्या फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं मिल सकते, तो यदि फंक्शन एफ मेनी वन है तो उसका यदि उल्टा निकालें, अपन इनवर्स निकालने की कोशिश करें, तो एक एक्स के लिए मेरे को क्या मिल गया, दो वाई मिल गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, इट इज नॉट ए फंक्शन। अरे इनवर्स फंक्शन तो दूर की बात, ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्या गड़बड़ हो रही है, समझ में आ रही है, मेनी वन के केस में क्या आ रहा है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिल गई, दो इमेज मिल गई इनवर्स निकालते वक्त, हेंस ये फंक्शन अब इसका इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, वन वन ही होना पड़ेगा, सही बात। दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऑन टू में क्या गड़बड़ है भाई, फंक्शन तो मैंने वन वन ले लिया बट ऑन टू में क्या गड़बड़ है, समझते हैं इसको, देखो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, एफ ए टू बी क्या है, ऑन टू नहीं है, इसका जब रिवर्स इनवर्स लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वन के कॉरस्पॉन्डिंग ए, टू के कॉरस्पॉन्डिंग सी, थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग बी, बट फोर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जब लिखेंगे अपन सब कुछ मिल जाएगा बट फोर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा, एक ऐसा डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कुछ वाई नहीं मिल रहा, ऐसा फंक्शन में नहीं होता, हर एक एक्स के लिए ईच वैल्यू ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई, है ना, यही बोलते हैं ना फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स की डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए अपने को कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए और वो यूनिक वाई मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ऑन टू के लिए इनवर्स अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सॉरी इनटू के लिए, ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है, फोर राइन नहीं अचीव कर पा रहे तो फोर के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को एलिमेंट भी नहीं मिलेगा, हेंस एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्लियर है बात, तो इसलिए एक इनवर्स, एक एफ का इनवर्स डिफाइन करने के लिए एफ को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, वन वन होना, वन वन होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना चाहिए, तो तू डिफाइन, तो नोट करके लिख लो, फॉर एनी फंक्शन इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन दैट फंक्शन मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है पॉइंट, देन दैट फंक्शन मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ये अपन समझाने की कोशिश कर रहे थे यहां, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा ये तो बात हो गई क्या इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अब अपन बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना,
किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो अपन क्या बोलते हैं, देखो कुछ स्टेप अपन यहां पे करेंगे। मान लो अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग सम फंक्शन, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ले लेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पूरे फंक्शन को क्या ले लेंगे वाई। फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माना अपने को, अब अपने को क्या करना है सेकेंड स्टेप में, अपने को निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू मान लेते हैं g ऑफ y, ठीक है। अपन ने जो रेंज में काम किया था याद आ रहा है, रेंज में क्या किया काम किया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो अपन क्या निकाल रहे थे x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू निकालेंगे g ऑफ y। अब जो ये x निकल के आ रहा है ना, ये x उल्टा आ गया ना, बी ए टू बी रिलेशन था, अपने पास रिलेशन क्या आ गया बी टू ए, तो ये जो x निकल के आ रहा है, ये जो g ऑफ y निकलेगा, ये बेसिकली g ऑफ y क्या निकला है, इनवर्स फंक्शन ही निकला है। तो x को अपन लिख देंगे, x यहाँ पे क्या है f इनवर्स ऑफ x, और g ऑफ y में x सब y की जगह अपन क्या डाल देंगे x, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g ऑफ x। क्या करेंगे, ये जो x निकल के आ रहा है ना, y क्या था f ऑफ x है, तो x क्या है उसका इनवर्स, y क्या है f ऑफ x, तो x क्या है f इनवर्स, है ना, y है f ऑफ x तो x क्या है f इनवर्स, x क्या है f इनवर्स ऑफ x, और अब जहां जहां y है सब जगह क्या डाल दो x डाल दो। तो छोटा सा एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 लेट्स से, है ना, तो पहली बात तो अपन क्या चेक करेंगे फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो यदि कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपन लिख देते हैं वैसे f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, तो r टू r में ये तो वन वन फंक्शन होता है, लीनियर है ना, एफ डैश एक्स थ्री इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरी बात ये हर वैल्यू अचीव करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो मतलब फंक्शन इज बाइजेक्टिव, पॉइंट नंबर वन चेक करना है अपने को फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, सही बात है, बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अपन क्या बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x क्या निकल जाएगा यहां से x इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री, तो अब ये जो x निकल के आया ना, ये इनवर्स का ये जो फॉर्म दिख रहा है यही फॉर्म क्या है इनवर्स का फॉर्म है, तो x को लिख दिया मैंने f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस वन बाई थ्री, है ना, जहां जहां y था अब क्या रख दिया अपन ने x, और x की जगह क्या रख दिया f इनवर्स x, या अपन बोलते ना एक तरीके से x और y को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, x और y को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, x और y को इंटरचेंज करेंगे तो अब y जो था वो x बन जाएगा, जो x था वो y बन जाएगा, क्लियर है पॉइंट, और वो y जो इंटरचेंज करने के बाद y मिल रहा है वही क्या है इनवर्स, ठीक है, सिंपल से बात है। और एग्जांपल लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू लेट से ln ऑफ 3x माइनस 6, है ना, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। पहले इसका अपन क्या डिफाइन कर लेते हैं, या f ऑफ x है मान लो ये, वेर f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, f डिफाइन किया है 2 टू इंफिनिटी टू r, ठीक है, f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी टू r, फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, पहले तो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं चेक करते हैं। अब 2 इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन 2 ही होगा, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 2, सही बात है, 2 टू इंफिनिटी, जब ये 2 को अचीव करेगा ये 0 की तरफ मूव करेगा, और ln ऑफ 0 किसकी तरफ मूव करेगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, करेक्ट बात, तो ये माइनस इंफिनिटी से लेके जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ln ऑफ इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, तो ग्राफ इसका क्या होगा x इज इक्वल टू 2 लाइन पे ऐसा कुछ, है ना, ये ln x का ln ऑफ 3x माइनस 6 का हो गया ग्राफ, क्लियर है बात। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब हैंस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
तो अपन बात करते हैं y इज इक्वल टू एल एन ऑफ 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, या तो x और y को यही इंटरचेंज कर दो, यदि डाउट आ रहा है तो x और y को यही इंटरचेंज कर दो, नहीं तो पहले सॉल्व करते जाओ, y इन टर्म्स ऑफ x निकालो। तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर y, ठीक है, कुछ नहीं किया अपने, सिंपल सा 3x इज इक्वल टू e टू दी पावर y प्लस 6, x इज इक्वल टू e टू दी पावर y प्लस 6 बाई 3, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया ना, x इज इक्वल टू क्या आ गया, g ऑफ y। तो ये जो g ऑफ y है ना, यही इनवर्स है बेसिकली, तो x की जगह पर ने क्या रख दिया, f इनवर्स x, और y क्या है, e टू दी पावर x प्लस 6 बाई 3। x इन टर्म्स ऑफ f ऑफ y निकाला, और ये जो मिल रहा है बेसिकली यही इनवर्स है, x इन टर्म्स ऑफ g ऑफ y निकाला, यही क्या है, इनवर्स है। क्लियर है पॉइंट? अब इसका देखो, अब इसका एफ इनवर्स एक्स कैसे डिफाइन करेंगे अपन, एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम, इसका इंटेक क्या होगा, इसका इंटेक क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी, इसमें एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर है क्या इसका डोमेन, बोलो, तो इसका इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसकी रेंज हो जाएगी जो इसकी डोमेन थी टू टू इंफिनिटी। तो ये ए टू बी डिफाइन है, तो f इनवर्स डिफाइन है किससे, b टू a डिफाइन होगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, f इनवर्स। तो कुछ फंक्शन मैं ले रहा हूं, अपने को ये देखना है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कहने का मतलब अपने को वन वन है या ओन टू, वन वन ओन टू दोनों है कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट अपन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, वेर f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, अपने को ये बताना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, वेर f डिफाइंड फ्रॉम r टू माइनस वन टू वन, f ऑफ x इज इक्वल टू, अपने दिमाग में एक बार सोचो किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं करेगा, ये तीन प्रॉब्लम्स है। अब साइन एक्स है एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, भाई साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ना, तो ये फंक्शन ओन टू है ना ये फंक्शन वन वन है, तो ना इधर ये ना तो वन वन है, वन वन नहीं है तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, बोलो, एंड ये फंक्शन क्या है, इन टू फंक्शन है, तो ना तो ये ओन टू है, मतलब दोनों तरफ से ही गया ये, एक कंडीशन नहीं दोनों तरफ से ही गया, तो इसका इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या अपन बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, है ना, बाइजेक्टिव का ही एक दूसरा नाम है, दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, तो नॉट इन्वर्टिबल मतलब इसको इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो है, रेंज यहाँ के पे क्या है, कोडोमेन है माइनस वन टू वन, और रेंज इस फंक्शन की क्या आएगी, आर में माइनस वन टू वन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, मतलब फंक्शन क्या है, ओन टू तो है, फंक्शन ओन टू है क्या, बोलो, फंक्शन ओन टू है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शन क्या है, मेनी वन है, तो मेनी वन के वन वन के लिए क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, वन वन नहीं है फंक्शन, हैंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, बोलो सही है बात, फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल फंक्शन इसको अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट f माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस वन टू वन, इसमें इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, है ना, ये ग्राफ होगा,
तो ये है अपने पास क्या माइनस फाइव बाई टू, ये क्या है पाई बाई टू। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये अचीव क्या कर रहा है माइनस वन टू वन। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी है और फंक्शन वन वन भी है, हेंस फंक्शन इज, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और इसका आगे अपन इनवर्स निकालेंगे भी सही आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका इनवर्स भी अपन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इन तीनों से अपने को यह समझ में आ रहा होगा कि कहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है, सिंपल है, चीजों को बस समझना है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन होना चाहिए वन वन एंड ऑन टू बोथ। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं होते हैं उनका अपन डोमेन और रेंज रेस्ट्रिक्ट करके, डोमेन और कोडोमेन के साथ छेड़खानी करके उनको क्या बना सकते हैं अपन, इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो नोट करके लिख सकते हैं अपन, ए फंक्शन कैन बी मॉडिफाइड टू मेक द फंक्शन इन्वर्टिबल। ठीक है ना, फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए फंक्शन को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गिवन होगा कि इसका फंक्शन निकालो, है ना, उसको मॉडिफाई करके गिवन होगा। फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट करते ही क्या हो जाएगा, है ना, अपन वो वाला हिस्सा ले लेंगे जो वन वन है और उसमें जो रेंज आ रही है वो कोडोमेन के बराबर कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। तो फंक्शन को बना सकते हैं, जैसे साइन एक्स को क्या था, आर टू आर में इन्वर्टिबल नहीं है, बट फंक्शन को अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू और रेंज क्या रख दी माइनस वन टू वन। तो उस रेंज और उस डोमेन और कोडोमेन के लिए फंक्शन क्या हो गया, वन वन एंड ऑन टू। क्लियर है पॉइंट, सही है बात। एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, है ना, वेर एफ इज डिफाइंड फ्रॉम वन टू इंफिनिटी टू सिक्स टू इंफिनिटी। ठीक है, है ना, वन से इंफिनिटी से सिक्स टू इंफिनिटी में डिफाइंड है। फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, निकालना है इनवर्स इफ एग्जिस्ट, है ना। तो निकालना है पहले, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये चेक करते हैं। अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू। तो फंक्शन का अपन क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं चुपचाप। x माइनस वन ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स लिख सकते हैं बोलो। तो x इज इक्वल टू वन पे इसका मिनिमा, ग्राफ होगा इसका ऐसा कुछ। अपने को किससे किसके बीच में लेना है बच्चों, वन से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो वन मतलब ये वन से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ अपने काम का है, तो अपने काम का ग्राफ सिर्फ इतना ही है, ये क्वाड्रेटिक का सिर्फ इतना ही ग्राफ अपने काम का है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब वन से इंफिनिटी में यदि बात करें तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है वन कोमा सिक्स, ये पॉइंट क्या है एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू सिक्स, ये पॉइंट है वन कोमा सिक्स और वन से लेके इंफिनिटी में ये वाई अचीव कर रहा है सिक्स टू इंफिनिटी, मतलब फंक्शन वन वन भी है और फंक्शन क्या है ऑन टू भी है, हेंस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सही बात है, बिल्कुल शत प्रतिशत सही है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो भाई निकालो, तो निकालते हैं भाई। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने को क्या निकाला है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये क्या था अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वाई। तो इसको क्या बना लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना, x में क्वाड्रेटिक है ये, तो x ही तो निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी, अपॉन टू, ये आ गया, टू से टू गायब, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस माइनस वन प्लस वाई माइनस सेवन, तो वाई माइनस सिक्स।
अरे वाह, ये तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो एक y पे 2x मिल रहे हैं, है ना, y की वैल्यू में कुछ लूँ तो 2x मिल रहे हैं, गजब हो गया ये तो, है ना, ये तो फंक्शन नहीं है ना। तो दुविधा ये है कि प्लस लूँ कि माइनस लूँ, सही है बात भाई। x के लिए तो अपने को क्या मिल रहा है, एक y के लिए मेरे को 2x मिल रहा है, तो यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा कि मैं प्लस लू या माइनस लू, कैसे डिसाइड करेंगे प्लस लेना है कि माइनस लेना है। वो डिसाइड करेंगे कि अपन ने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, अपन ने फंक्शन को डिफाइन किया है x की वैल्यूज क्या लिए, 1 टू इन्फिनिटी, तो x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, यदि माइनस लेंगे तो क्या होगा, 1 से छोटा, तो x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस x, ये अपने काम का ग्राफ है, माइनस वाला अपने काम का ग्राफ नहीं है, क्लियर है पॉइंट। यदि मैं ये पार्ट लेता, x लेस देन 1 लेता, है ना, 1 टू इंफिनिटी की जगह अपन लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 से छोटा, तो उस केस में मैं क्या लेता, माइनस 1, क्लियर है पॉइंट। प्लस और माइनस में से प्लस क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि x क्या है, x अपने को दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो x की जगह क्या रख दिया अपन ने, f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6, दिस इज द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये चार प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके ये चारों प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आई गेस, वीडियो पॉज करके ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इनको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, निकालना क्या है अपने को, एफ इनवर्स। तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा फंक्शन का एफ इनवर्स तो निकाल रहे हैं, बट एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अपने को क्या बताना है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन का अपन क्या बना लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे बनाना सिखाया था अपन ने, वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये क्या है, इसको मैं कैपिटल एल लू, कैपिटल वाई लू, तो ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो कैसा आएगा बच्चों, ग्राफ आ जाएगा देखो, वाई इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये दो इसके एजम्प्टोट्स हैं, और क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स करके देख लो इसका, इसका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा देखो, एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इसका डिफरेंशिएशन इंटू एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स माइनस 1, यूवी डैश माइनस यू डैश वी, तो ये क्या जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी माइनस 1, ठीक है। और डोमेन की बात करें तो डोमेन तो अपने को पता ही लग गया, क्या दिया हुआ, आर माइनस माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं रख सकते, सही बात है। 1 1 है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन 2 है फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो अपन ने ये निकाला कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, हेंस इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इनवर्स यदि कैलकुलेट कर सकते हैं तो एफ इनवर्स निकाल लेते हैं इसका, तो वाई इंटू एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, वाई एक्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, क्या कर देंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकल जाएगा, तो एक्स को रख देंगे क्या एफ इनवर्स एक्स, और जहां जहां वाई है उसको रख देंगे क्या एक्स, ये काम करना है अपने को, तो इनवर्स निकल आएगा, वाई इंटू अपने को एक्स निकालना है, राइट,
एक्स इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू वन आ रहा है यहां से भी, यही तो रेंज है इसकी, वाई इज नॉट इक्वल टू वन। तो अब ये जो फंक्शन आया ना, यही क्या है इसका इनवर्स है, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, दिस इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट, सही है बात। वन वन ऑन टू है फंक्शन, एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ वाई निकाला और एक्स इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ वाई आते ही क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ दिस फाइंड इनवर्स। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ अपने को एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, पहले तो अपन को यह चेक करना है कि यह फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो इसकी डोमेन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन पॉजिटिव होना ही चाहिए है ना, वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। वन टू थ्री में देख लेते हैं इसमें इसकी सिचुएशन क्या है, इसका मिनिमा क्या है, क्या है कहां पे आएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमा क्या आएगा माइनस थ्री बाई टू पे है ना, माइनस थ्री बाई टू पे इसका मिनिमा आएगा, मतलब ये जो पॉइंट है वन टू थ्री, यदि मैं किस क्वाड्रेटिक का यदि ग्राफ देखूं है ना, यदि क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखूं तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ है। ठीक है, माइनस थ्री बाई टू क्या है इसका मिनिमा टिप पॉइंट है ना, टिप पॉइंट क्या है माइनस थ्री बाई टू, तो जो वन टू थ्री है वो इसके या तो इधर है या इधर है, तो अपन बोलेंगे कि वन टू थ्री तो इधर ही आ रहा है। तो यदि सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करूं है ना, ये क्वाड्रेटिक में y का अपने को मिलने वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला मिलेगा क्या बोलो, तो अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में, जो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन प्लस वन है वो किसके किसके बीच में वेरी करेगा एल एन ऑफ वन टू एफ ऑफ वन, वन रखने पे क्या मिलेगा फाइव और थ्री रखने पे नाइनटीन। तो ये जो फंक्शन है ना ये वेरी करेगा वन और थ्री के बीच में, यदि रखें एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन वेरी करेगा फाइव टू नाइनटीन, क्यों, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग है, ग्राफ इसका क्या है इंक्रीजिंग है। तो वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा एल एन ऑफ फाइव से एल एन ऑफ नाइनटीन। ठीक है, और ये फंक्शन वन वन भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एल एन के अंदर ये जो फंक्शन आ रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और एल एन खुद भी क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो डिफरेंशिएशन कर लो है ना, वाई डेस कर लो, वाई डेस करेंगे तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ऊपर क्या आ जाएगा उसका वन अपॉन एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। तो वाई डेस क्या निकल गया, वाई डेस चेंज हो रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो वन टू थ्री में क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और टू एक्स प्लस थ्री भी वन टू थ्री में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, वन टू थ्री में ये जो वाई डेस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हैंस दिस फंक्शन वाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन वन टू थ्री, हैंस दिस फंक्शन इज वन वन। राइट, यहां से भी अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है वन वन फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन वन वन है और ऑन टू होने के लिए फंक्शन को वेरी करना पड़ेगा एल एन फाइव से लेके एल एन नाइनटीन तक। तो सबसे पहला अपना सबसे पहला काम तो क्या आ गया, बी निकाल लिया, और ये काम जरूरी है करना है ना, बी क्या निकल के आ गया अपने पास एल एन ऑफ फाइव टू एल एन ऑफ 19, फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इनवर्स निकाल लो। तो अपने पास क्या है y इज इक्वल टू, बच्चों y इज इक्वल टू है एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सही बात, क्लियर है। तो e टू द पावर y क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर y इक्वल टू जीरो। x इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाह रहे हैं ना, क्या निकालना चाह रहे हैं x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
माइनस फोर ए सी अपॉन टू। सही बात। अगेन अपन बोलेंगे यहां तो प्लस और माइनस दोनों आ गया सर, अब क्या करें? तो अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, अब क्या करना चाहिए बताओ। अब देखो x का वैल्यू क्या है, 1 से 3 में x क्या होना चाहिए, 1 से 3 में, है ना। और ln of 5 पे ये किसको अचीव कर रहा है, 1 को, ये भी बात है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, प्लस और माइनस दोनों नहीं आ सकता, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा ना। तो इनवर्स फंक्शन भी तो एक फंक्शन ही है भाई, 9 माइनस 4 5 प्लस 4 इंटू ए टू दर वाई अपॉन 2। तो अपन बोलते हैं कि ln 5, 1 पे ln 5 आ रहा था ये, है ना, ठीक है, ये अपन ने चेक किया था वहां पे अभी, 1 पे ln 5 आ रहा, तो मतलब ln 5 रखने पे x की वैल्यू 1 नहीं मिलनी चाहिए। ln 5 रखते हैं, ये तो माइनस 3 है, ये भी मैंने माइनस ले लिया, तो क्या कभी ये प्लस आ सकता है क्या, x माइनस 3 माइनस ऑफ, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो दो नेगेटिव नंबर सम हो गए, कभी x 1 से 3 में दे सकता है क्या, इसका मतलब इसका माइनस वाला साइन तो नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस वाला साइन, माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ, क्योंकि जो x है ना, x प्लस कैसे डिसाइड हुआ, x जो है वो x है 1 से 3 के बीच में, तो माइनस साइन के साथ x कभी 1 टू 3 के बीच में आ ही नहीं पाएगा। तो ये अपना फंक्शन है इनवर्स के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये इनवर्स के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन आ गया, तो x की जगह क्या लिख देंगे अपन, f इनवर्स x, और यहां पे जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या लिख देते, लिख देते हैं अपन x, 5 प्लस 4 इंटू e की पावर x अपॉन 2, सो दिस इज f इनवर्स x, बहुत ही सिंपल है, y f ऑफ x, x f ऑफ y, x की जगह f इनवर्स x, y की जगह x, है ना, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, देखो है ना, अपने पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, ये f ऑफ x है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स, इसको भी अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है, 1 टू इंफिनिटी में f डैश x करते हैं इसका, अपने को पहले तो क्या निकालना है, 1 1 और 1 2 चेक करते हैं, f डैश x निकाला, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, अपने को f डैश x निकाल के इसका क्या चेक करने पड़ेंगे, अपन रेंज निकालना चाह रहे हैं इसकी पहले, तो f डैश x करके इसकी पहले तो क्या निकालना चाह रहे हैं, रेंज, इसकी नेचर निकालना चाह रहे हैं कि 1 1 1 2 है या क्या है, f डैश x किया तो अपने को कैसे पता लगेगा कि 1 1 है कि 1 2 है, f डैश x या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए तभी 1 1 होगा, राइट, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा, या f डैश x होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो f डैश x किया तो ये क्या आया, f डैश x 3 इंटू, है ना, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ना, a की पावर x ln a, ये होता है, ठीक है, तो e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन यही हो गया, और x इंटू एक्स माइनस 1 मतलब x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक तो ln ऑफ 3, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, तो ये f डैश x आया, तो f डैश x ये पॉजिटिव है क्या बोलो, सही बात, ln ऑफ 3 पॉजिटिव है क्या बोलो, x ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए 2x माइनस 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो 1 टू इंफिनिटी में ये क्या है, f डैश x इसका पॉजिटिव है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू की, कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल सही बात है, फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब अपन चेक करते हैं फंक्शन की ऑन टू की नेचर, ऑन टू कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो f ऑफ 1 तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ 1 क्या होगा इसका, मिनिमा, f ऑफ 1 रखते हैं क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0, तो 1
तो इसका रेंज आ रहा है वन, है ना, और इन्फिनिटी रखने पे ये थ्री को, थ्री की पावर इन्फिनिटी किसको अचीव करेगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये जो रेंज आ रहा है वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, हैंस दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, हैंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्लियर कट। अभी अपन ने प्रूफ किया सिर्फ फंक्शन बाइजेक्टिव है, अभी अपन क्या निकालेंगे, इनवर्स। इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान काम है, इनवर्स कैसे निकाल लेंगे अपन बच्चों, ये हो जाएगा वाई इंटू थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एल एन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल एन ऑफ थ्री, या लॉग ऑफ वाई टू द बेस थ्री ले लो इसको, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया अपन ने, लॉग वाई टू द बेस थ्री हो गया, वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री हो जाएगा वन, ठीक है, लॉग थ्री के बेस में लॉग ले लिया तो ए की पावर एक्स का लॉग क्या होता है, एक्स बाहर आ गया, लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री, थ्री टू द बेस थ्री वन होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, अपने को एक्स निकालना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, बेस क्या है थ्री है, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या बन गई x में क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वन माइनस, अपने को x इन टर्म्स ऑफ y निकालना था, करेक्ट, x इन टर्म्स ऑफ y निकल के आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, तो हो जाएगा प्लस फोर इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस थ्री अपॉन टू, क्लियर कट। अगेन दिक्कत फिर से आ रही है, प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं ना, प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, तो अपन को कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस या माइनस, इसके लिए अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू, एक्स वन से इन्फिनिटी के बीच में कब आएगा, वन बाई टू माइनस सम नंबर, वन बाई टू से तो छोटा ही होगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वन बाई टू प्लस सम नंबर करना पड़ेगा, तभी आंसर निकल पाएगा, है ना, ये क्या है, वन बाई टू माइनस दिस बाई टू, तो एक पॉजिटिव नंबर 1 बाई टू में से एक पॉजिटिव नंबर निकालेंगे तो 1 बाई टू से तो छोटा ही आएगा ना नंबर, बट अपने को x क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, क्लियर है बात, x क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां से अपन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट ऑफ, या वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस थ्री अपॉन टू, क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो है ना, बिल्कुल सही बात है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो बच्चों ये आ गया, तो इनवर्स क्या निकला, बोलो इनवर्स क्या निकला, इस x की जगह मैं क्या लिख देता हूं, फाइनल आंसर विल बी f इनवर्स x इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस थ्री अपॉन टू, और f इनवर्स डिफाइन है किससे किस तक, इसमें f इनवर्स डिफाइन हो जाएगा वन से इन्फिनिटी से वन से इन्फिनिटी तक, उल्टा हो जाएगा, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपने को लिखना पड़ेगा, जो इसकी रेंज थी अब वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन, सही है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी और थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा वन वन और ऑन टू का, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लिया और आंसर निकाल लिया, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फोर यदि देखें अपन, एफ आर टू आर अपने को दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है, ये दिया हुआ अपने को, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस टू, तो एफ डैश एक्स इस फंक्शन को यदि देखें तो ये फंक्शन भी क्या है, इसका अपने को पहले तो ये चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो अपन क्या करते हैं 1 1 के लिए f dash x किया अपन ने, फंक्शन के ग्राफ के बारे में सोचते हैं, तो ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई टू आ जाएगा f dash x, विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस इंफिनिटी पे एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे इसका मिनिमा होगा, माइनस इन्फिनिटी रखने पे अपने को क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया, माइनस एफ ऑफ इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी बाई टू किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, सिमिलरली एफ ऑफ इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, इन्फिनिटी को, तो फंक्शन क्या है,
फंक्शन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू अचीव कर रहा है बोलो, और फंक्शन क्या है ग्रेटर देन जीरो। यहां से तो अपन ये बोल रहे हैं कि फंक्शन क्या हो गया वन वन हो गया, यहां से अपन ये बोल रहे हैं कि फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो से अपन क्या बोल रहे हैं, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो से अपन ये बोल रहे हैं कि फंक्शन इज वन वन, और एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू अचीव कर रहा है, मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन हो गया वन वन और ऑन टू दोनों, फंक्शन हो गया वन वन और ऑन टू दोनों। तो अब इसका क्या निकाल सकते हैं अपन, इनवर्स निकाल सकते हैं क्या बोलो, इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है अब तो, इनवर्स तो आराम से निकाल सकते हैं अपन, निकाल लेते हैं इनवर्स। तो y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय टू, सॉरी माइनस है बीच में, इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा टू की पावर y e की पावर x प्लस वन अपॉन e की पावर x। तो ये क्या जाएगा e की पावर x का स्क्वायर माइनस 2y e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। e की पावर x को अपन ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। तो e की पावर x में क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई क्या बोलो, e की पावर x में क्या बन गई, ये e की पावर x को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये e की पावर x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो e की पावर x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 4ac माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आ गया यहां पे y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था, ये माइनस था तो ये माइनस वन आएगा, है ना, ये माइनस था तो ये माइनस वन आएगा, ये माइनस वन आएगा तो ये होगा प्लस वन, तो ये प्लस, ठीक है, ये मिस्टेक वापस से ठीक कर लो। तो e की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब फिर से अपन बात करेंगे कि प्लस लू या माइनस लू, पहले x से तो निकाल लेता हूं, x क्या आएगा, x आ जाएगा दोनों तरफ लॉग ले लो, तो एल एन ऑफ वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया क्या, यही निकालना था अपने को, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते ही अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन इनवर्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं यदि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया तो। तो प्लस लेंगे या माइनस, देखो क्या लेंगे, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी है ये, और माइनस इंफिनिटी पे ये आ रहा है अपने पास माइनस इंफिनिटी पे। अब इसमें प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई को पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई को अप्रोच करते हैं, नहीं इसको, ये माइनस है, अब अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, वाई से बड़ा ही आएगा, है ना, हमेशा क्या आएगा, वाई से बड़ा ही आएगा, जब y बड़ा नंबर लेंगे तो y से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, है ना, y से हमेशा ग्रेटर आएगा, तो ln के अंदर उसको अपन रख नहीं सकते, सही बात है। तो x वो अचीव नहीं कर पाएगा जो अपन अचीव करवाना चाह रहे हैं x को, बट यदि y के साथ प्लस साइन है उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो क्या होगा, है ना, इस केस में तो ये क्या हो गया, हमेशा क्या हो गया, नेगेटिव आ गया ना, अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर जो क्वांटिटी है, वन में क्या कर रहे हो तुम, वाई स्क्वायर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये वाई से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही आएगा, तो ये तो क्या है, हमेशा नेगेटिव नंबर आ गया, है ना, वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर तो क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो एल एन के अंदर कोई नेगेटिव नंबर का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, वो तो रॉन्ग हो गई बात, गलत बात है। तो इसका मतलब यहां पर क्या लेंगे अपन, यहां पर भी क्या लेंगे, प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, बस चेक कर लो यहां पे, x क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी अपन प्रॉब्लम्स करते हैं, किसकी, इनवर्स x की। तो ये चार प्रॉब्लम्स थी, मैंने जल्दी से इनको सॉल्व करने की कोशिश करी है,
समझा दिया अपन ने अच्छे से कैसे सोल्व करते हैं, बाकी रेस्ट तो क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट एक बार फिर से देख लो, फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन ऑन टू पहली कंडीशन, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, एक्स को एफ इनवर्स एक्स रख देंगे और वाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। सिर्फ इतना ही करना है अपने को इनवर्स में, कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, उनके ऊपर जेई में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।